गाइस वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज है मेरी पहली इनविटेशन इस सीजन की पहली शादी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एंट्री ले चुकी हूँ इस बैंक्वेट हॉल में और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइटों की भरमार की गई है और साथ साथ हर एक फ्लोरल डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ हो रही थी लाइव म्यूजिक। आप देख सकते हैं कि मैम कितना अच्छा सैक्सोफोन बजाती हैं और हम बैठ गए हैं स्टार्टर्स चखने। तो देख सकते हैं सबसे पहले क्रिस्पी चिली बेबी कॉर्न खा रही हूँ मैं, ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने खाई वेज चाउमीन और उसके साथ साथ मैंने ले लिया है चिकन टिक्का। हरी चटनी लगाकर खाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है। और साथ में ये चिकन मोमोज और ये है वेज चीज बॉल्स, ये भी बहुत टेस्टी थे और मैंने वेज मोमोज भी ले लिए हैं। तो सब कुछ खा पी के हम इधर उधर घूम रहे हैं और भी ज़्यादा डेकोरेशन का मज़ा ले रहे हैं। तो लाइव म्यूजिक सुनने के बाद हमने यहाँ पे डांस आर्टिस्ट के परफॉर्मेंसेस भी देखे मॉकटेल पीते पीते। और आप देख सकते हैं मैं हमेशा की तरह वीडियोस बनाते हुए। और ये है हमारी ब्राइड की ग्रैंड सीटिंग और साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सैलड, ये फ्रूट सैलड के कॉर्नर्स है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड है। तो हम तो ये मैम के सैक्सोफोन के दीवाने हो गए हैं और इसके बाद हम आ गए हैं लाइव काउंटर्स पे और हमने यहाँ पे और भी बहुत से स्टार्टर्स टेस्ट किए। और मैं मोमो पागल लड़की हमेशा की तरह मोमो के ऊपर झपट पड़ी और ये गया मोमो मेरे मुंह के अंदर। तो इसके बाद मैंने फिर से कुछ मॉकटेल्स ट्राई किए और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया ये फ्रेश लाइम सोडा जो कि मुझे हमेशा ही पसंद आता है। और इसके बाद हमने सुना ये प्यारा प्यारा गाना और हम इनके भी फैन हो गए। और ये रहा शादी का मंडप और मंडप से बाहर निकलते ही हमने फिर से गाने को एंजॉय किया। ये सर बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, सच में आज तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और फिर एंजॉय करने के बाद हम आ गए हैं पेट पूजा करने। तो आ गए हैं मेन कोर्स खाने और मेन कोर्स खाने के लिए हम बैठ गए हैं और आप देख सकते हैं कि मैं खाने को कितनी ज़्यादा ईगर हूँ। शादी का खाना तो हमेशा ही टेस्टी लगता है। तो हमें मिल गई है यहाँ पे दो दो हर्ट्स और साथ में ये लोटस लीव्स के ऊपर हमें खाना सर्व किया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे बैठ के नहीं खा पाए क्योंकि वेज वालों के लिए ये बूफे लगा हुआ था। तो हम आ गए हैं बूफे काउंटर्स में और हमने यहाँ ले ली है, सबसे पहले तो मैंने सैलड टेस्ट किया था जो कि मैं दिखाना आप सबको भूल गई हूँ। तो यहाँ से मैंने ये रायता और सैलड टेस्ट किया, मुझे बहुत ही ज़्यादा रायता की क्रेविंग हो रही थी। इसके बाद मैंने यहाँ से लच्छा पराठा और ये दाल मखनी ली, उसके बाद फ्राइड राइस, कटहल की सब्ज़ी एंड पनीर की सब्ज़ी और लास्ट में मैंने खाई थोड़ी सी स्वीट्स। अब होने वाली है दूल्हे राजा की एंट्री। तो आप देख सकते हैं सब लोग एकदम तैयार खड़े हैं और हम भी चल दिए अब घर की तरफ।